दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे कि आप वीवो वाई 72 5G मोबाइल में सिस्टम को अपडेट कैसे करेंगे। अगर आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आता है तो उसको कैसे अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों आपको करना क्या, सिस्टम को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया हुआ है तो कैसे उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर ही देखने को मिल जाता है 1 नंबर रेड कलर में लिखा हुआ, तो दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया हुआ है। तो आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। आपको करना क्या, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम अपडेट का ऑप्शन। तो सिंपल आपको सिस्टम अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही सिस्टम के अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फनटच ओएस। और दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे न्यू वर्जन फाउंड और यहाँ पे क्या वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको कितना साइज का है यानी कि दोस्तों कितने MB में आपका वो सिस्टम अपडेट आया है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 467 MB में यानी दोस्तों 467 MB दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है आपका अपडेट ये दोस्तों आपके मोबाइल में। और दोस्तों क्या सिस्टम अपडेट आया हुआ है ये दोस्तों सिस्टम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से कुछ रीड कर सकते हैं आप जो भी सिस्टम अपडेट आया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी 0 है और दोस्तों ये आपका पूरा लाइन फुल होएगा, 100 तक जाएगा यानी दोस्तों 1 से 100 तक जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में इस मोबाइल सिस्टम अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिक ही ऑन होगा। दोस्तों आपको कोई भी बटन या दोस्तों आपको कहीं भी टच नहीं करना है और कोई भी बटन नहीं दबाना है, मोबाइल में कोई भी छेड़खानी नहीं करना जिससे कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में सिस्टम को अपडेट आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों सिस्टम अपडेट हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल में जो भी फीचर्स नया आने वाला अवेलेबल रहेगा वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो से सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।